लो जी, आज तो सोनी की कुकिंग दोपहर में ही चालू हो गई। और क्या? राम राम माता बहनों सभी को, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ बेसन की पूड़ी की लड्डू। बेसन के पूड़ी के लड्डू। हाँ हेलो राम राम जी, और सब कैसे हो? आशा करते हैं सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आपका सोनी ब्रेड लाइफ यूट्यूब चैनल में। चलिए जी, आज तो मीठा खाने को मिलेगा। वैसे भी इस गर्मी में मीठा खाने का मन कर रहा है। आज तो कुछ अच्छा ही बनने वाला है, क्योंकि आज ड्राई फ्रूट्स कटिंग हो रहे हैं। देखो यहाँ पे मखाने लिए, किशमिश है, मखाने, काजू काजू और कद्दू के बीज, कद्दू के बीज नहीं, खरबूजे के बीज, खरबूजे के बीज, पिस्ता, ये आधा किलो बेसन है, आधा किलो बेसन, हाँ। थोड़ा सा नमक डालेंगे, थोड़ा सा। अच्छा, मीठा बनाने में भी नमक डलेगा? हाँ। ये अजीब है। थोड़ा स्वाद आ जाता है। अच्छा, नमक से स्वाद आता है। अब हम आटा लगाएंगे, जैसे रोटी को लगाते हैं, जैसे यहाँ पे हमने बादाम को छोटा छोटा पीस में कटिंग कर लिया है। तो ये इतना बड़ा बड़ा कटिंग कर लिया है बादाम को। ऐसे ही काजू को कटिंग करेंगे हैं सोनी। और इनका क्या करेंगे? इनका क्या करेंगे? जो कट जाएंगे। अभी यहाँ कहाँ ले लो, तेल है कि रिफाइंड है? रिफाइंड है। अब गैस चालू कर ले। अभी हम इसमें रिफाइंड यूज करेंगे दोस्तों। वैसे घी यूज होता तो और अच्छी बात है। घी और अच्छा रहता है, घी हमारे पास नहीं है, लेकिन रिफाइंड यूज करेंगे हम। घी तो बहुत महंगा इस समय नहीं है हमारे पास। तो तिल डालेगी? ना, वैसे तिल लगा दो। विवेक का चकरा बिन दिया, विवेक का, विवेक को धूप में लगा दिया, चकरा बिन ले किया। जब भी तो मिलेंगे लड्डू खाने को। अरे और लड्डू तो बनी रहे हैं, मीठा बहुत दिन से नहीं खाया है ना। और ये देखिए जो बेसन लगाया है, आटा लगाया है, ऐसा लगाना है, देख सकते हैं रोटी के जैसा ही। फिर इसमें से एक डंडा बनाना है, बड़ा वाला डंडा। अब पूड़ी बनाने के लिए लोई तोड़ेंगे, बड़ी बड़ी लोई, बड़ी बड़ी। हाँ। पूड़ी वाले लड्डू, ये लड्डू बहुत ही स्वादिष्ट। ये लोई बनाने की स्टाइल, फटाफट फटाफट सभी लोई बन गई हमारी। और अभी थोड़ा सा तेल लगा के लोई पे अभी बनाएंगे पूड़ी। देखो ना, मोटी ना पतली, ना मोटी ना पतली, बीच की रखनी है। एक साथ बेल लो, फिर एक साथ सेक देना, ज्यादा थोड़ी है ये। सकते जाएंगे, बिलते जाएंगे। इधर हमारे ड्राई फ्रूट्स की कटिंग चल रही, तो हमारे काजू भी कटिंग हो गए, बादाम भी कटिंग हो गए, इनको तो कटिंग करना नहीं है। अभी मखाने की कटिंग चल रही है। मखाने को फ्राई करके भी डाल सकते हैं कढ़ाई के अंदर, नहीं कटिंग करके डाल सकते हैं। निशा को मस्त खुशबू आ रही है पूड़ी की। जब पूड़ी की इतनी खुशबू बढ़िया आ रही है, तो डालने के लड्डुआ बन जाए जब, कैसी आएगी? बहुत ही स्वादिष्ट लड्डू बनाती है। पहले ही निशा महक लाएगी तो फिर मकनते बन जाएंगे। अच्छा, जो हुआ था और का मतलब सारे जितने स्वाद है भाई, सके निशा ले गई पहले ही है। हाँ। अभी देखो पूड़ी भी कितनी बढ़िया सिक रही है, ये देखिए बेसन की पूड़ी बेलते हैं। चलिए सभी पूड़ियों को सेक लेंगे अच्छे से। सोनी इस समय बोल नहीं रही है, क्योंकि वो इस समय जो कथा भागवत चल रही है ना, उसको सुन रही है, उसमें उसी का ध्यान रह रहा है ज्यादातर। आज की रेसिपी काफी मजेदार होने वाली है दोस्तों। जब कुछ मीठा खाने को मन करे, और ये मेवा मिष्ठान तो ये कभी हम लेकर आए इसीलिए डाल रहे हैं, नहीं तो बिना इनके भी बन जाते हैं लड्डू, बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। हम
अभी देखिए जी, हमारी जो मेवा मिष्ठान है ना, इसके अंदर हमने रख दिया ढक के, क्योंकि ये माखी है ना, मक्खी ये पीछे पड़ रही थी, बोल रही थी हमको चखने दो, तो इनको ऐसे भगा के फिर ढक के रख दिया है कटिंग करके पूरा। अभी हमारी सारी जितनी पूड़ी हैं सब सिक गई हैं, अभी इनको मीड़ेंगे फिर मिक्सी मशीन में ग्राइंड करेंगे। सोनी आ गई मेरी समझ में, ध्यान आ गया मेरे को, थोड़ी ठंडी हो जाए जब भी मीड़ना दोस्तों, नहीं तो हाथ जल जाएंगे। इन्हें हाथों से भी मीड़ सकते हैं और ना तो मशीन, अब मशीन है ये हमारे पास तो हम इसमें कर लेते, नहीं पहले हाथ से ही तो बनाते थे, लेकिन इससे थोड़ा जल्दी हो जाएगा और कुछ नहीं। पूड़ी कितनी मस्त लग रही है बेसन की है, सभी पूड़ियों को ऐसे ही तोड़ देंगे, तोड़ने के बाद इसमें डालेंगे। अभी अपनी पूड़ियों को इसके अंदर डाल लेंगे दोस्तों, ये नहीं समझना कि ये गंदा है, गंदा नहीं है, इसमें सतुआ पीसा था सुबह उसी का आटे का ही है। ये देखिए दोस्तों, ये देखो कितना बढ़िया मिक्सी मशीन में हो गया, एक दो ऐसे रह गए, ओ बाहर पहुंच गए आते, ऐसा बनाना है, कितना बढ़िया बन गया ना ये पाउडर, पूड़ी का पाउडर, बेसन की पूड़ियों का पाउडर, दरदरा ही रखना है थोड़ा मोटा मोटा। और ध्यान देने की बात है ये है कि ऐसे मिक्सी मशीन को हिला हिला के ही पीसना है। अभी सोनी जल्दी जल्दी बना रही है, पता है क्यों? सप्ताह सुनने के लिए जाएगी आज, जाए कोरस से तो सारे पैसे मीड़ दे, दे दे घुसा मिल जाओ, कमाल की बात होगी, मग्गा भी एकदम साफ हो गया है। अब क्या होगा, अब जिन्हें सेक ले पीसो, अब आधा सा, अब जो फिर से सकेगा दोबारा थे। दोस्तों ये पूड़ी बनने के बाद में फिर से हमें इसी को ये सेका जाएगा, इसका जो बुरादा है इसको तेल के अंदर डाल फ्राई करना है, फिर तो हम जितना है हमारा सबको डाल देंगे। कितनी रिफाइंड होगी यहाँ, दो चम्मच आओगी कढ़ाई के अंदर, दो चम्मच रिफाइंड में इसको, अब मतलब यही है कि अकोर लेंगे, अकोर करोगे ये है, और ये रिफाइंड की जगह पे जैसे घी में भूनते ना इसको, तो ओह क्या आनंद आते, घी हमारे पास आनंद इसमें भी आएंगे, लेकिन ये है कि घी का थोड़ा ज़्यादा खाओ और ये रिफाइंड का है तो इसको थोड़ा थोड़ा खाओ, हम पे तो थोड़ा ही थोड़ा आएगा, इतना इतना हम सब लोगों को बांटेंगे ना, बस इतना इतना आएगा एक के जैसे। अभी इस समय थोड़ी गर्मी तो लग रही है, लेकिन जो जीभ का स्वाद है ना उसके लिए, क्योंकि पेट में गुड़ गुड़ हो रही है मीठा खाने के लिए, और जब तक इसमें से महक नहीं आने लगी, बहुत ही बढ़िया महक आएगी जब तक भूंजना है इसको, जैसे महक आने लगे अच्छी सी, हाँ उसके बाद में इसको उतार देंगे गैस से और नीचे। लड्डू बना लो सोनी और फिर चलो कथा भागवत सुनने के लिए, एक एक लड्डू लेके चलना बस प्रसाद के लिए। हाँ देखो लड्डू के इंतजार में घूम रहे हैं, अरे मिल जाएगा आराम से, छाया में बैठो, जैसे ही लड्डू बन जाएंगे मिल जाएंगे, है ना सबको। सॉरी मौसम बढ़िया होता जा रहा है, देख अब ठंडा, धूप चली गई, तेरे लिए ऊपर वाला भी व्यवस्था कर रहे हैं भगवान जी कि सोनी के लड्डू बन चले, फिर सोनी सप्ताह सुनने के लिए जाएगी तो कहीं धूप ना लग जाए बेचारी को, इसलिए तेरे लिए छाया कर दिया। सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं, बेड़ार मक्खी नहीं बैठनी चाहिए। पांच मिनट तो हो गए इसको भूनते भूनते, शायद पांच नहीं तो चार मिनट तो हो गई होंगे, अब तो खुशबू आ रही है सोनी यहाँ तक। हाँ अभी मान लो यानी सप्ताह ना, सप्ताह ना, और सप्ताह ना मत पहुंचावे, नहीं तो पंडित जी आ जाएंगे भाग के, कहाँ पे चल रहा है उनकी। हाँ ये खुशबू कहाँ से आ रही है, ये बुरादा पूड़ी का। अभी ये भून के तैयार हो गया, तो अभी हम इसको उतार लेंगे, तो देखो कलर भी आ गया इसमें, ये देखो कलर भी आ गया, और ऐसे भी हाथ में लेने से पहले एकदम मुलायम था ना, अब मुलायम नहीं है, अब इसमें दाना बन गया है, टुकड़ापन आया, हाँ अब इसमें दाना बन गया है। अब हम डालेंगे इसमें अपना ड्राई फ्रूट्स मेवा मिष्ठान, तो ये है बादाम की टुकड़ी, पहले बादाम डाले, पहले मखाने डालेंगे, और ये है किशमिश, ये देखो एकदम साफ,
और ये बादाम की टुकड़ी नहीं, काजू, काजू है, काजू की, सॉरी काजू की टुकड़ी, ये मगज और ये पिस्ता, पिस्ता, पिस्ता ना ने बीच में तो तोड़े नहीं, क्यों वैसे रहने, एक बादाम, ये बादाम। अभी हमारा ये सारा आइटम डल गया, अभी सबको अच्छे से मिलाएंगे। अभी इसकी मथाई होगी अच्छे तरीके से, और इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी रिफाइंड, एक डेढ़ चम्मच हुआ है, एक चम्मच रिफाइंड डालिए गरम करके, रगड़ा लगाओ सनी इसमें, रगड़ा जब आएगा इसमें लोच, हाँ अब आई खुशबू, अब मस्त महक आ रही है। अभी हमने इसको अच्छे से पूरा जो मटेरियल हमारा मिला दिया है, और अभी सोनी बना रही है चाशनी है, तो यहाँ पे चीनी लेगी कितनी, आधा किलो, एक किलो, आधा किलो चीनी ली है जिसकी बनाई है चाशनी। पानी इतना डालना जितना चीनी भीग जाए, ज़्यादा नहीं डालना पानी, फिर चीनी अपने हिसाब से ले सकते हैं कि आप कितना मीठा खाना पसंद कम या ज़्यादा। चाशनी कैसी बनानी है बताऊंगी, चमचा में पानी ले ला, थोड़ा सा या कटोरी में कुछ भी मेरे पास चमचा है, थोड़ी सी चाशनी करके देखेंगे पानी में, ऐसे देखो इधर उधर करेंगे तो हिल ना रहे, वही जगह पे जमी है चाशनी, बस वही तैयार रहेगी। अब हमारी चाशनी बनके तैयार हो गई, ऐसी चाशनी बनानी है, बस अभी डाल देंगे इसको हम। देखो निशा कपड़ा उठाइयो, निशा बारिश आ गई, पानी आ गया, पानी कपड़े उठाओ जल्दी, कुर्सी पर रख दिया। अभी सबको अच्छे से मिला लेंगे, हाथ ना डालें क्योंकि गरम गरम रखेंगे, जब थोड़ा सा गुनगुना सा हो जाए तो लड्डू बांध लेंगे। अभी ये गुनगुना सा हो गया, अभी हम लड्डू बनाना शुरू करते हैं। मौसम बढ़िया हो गया, गर्मी नहीं लग रही। देखिए दोस्तों मौसम भी कितना बढ़िया हो गया, मस्त बन रहे हैं लड्डू बेटा, बस थोड़ा सा इंतजार करो, बस थोड़ा सा इंतजार। अभी देखो हमारे लड्डू बनके तैयार हो रहे हैं, मस्त मस्त लड्डू, ये हो गया लड्डू बनके तैयार। कोई बर्तन ले लो, किसी में रखोगे, ये देखो बनाते जाइए दोस्तों लड्डू, ना तो छोटे हैं ना बड़े हैं, ना छोटा ना बड़ा, एकदम बीच का साइज बनाएंगे। और ये लड्डू देखो था, आप देखो एकदम पास से देखो कितना गजब का है ना, 1200 रुपए में जूता रखा, एक एक दाना देखो इसका रस का भरा हुआ, स्वाद से भरा हुआ, ये देखो। देखो वैसे तो लड्डू बन रहे हैं लेकिन बाकी का जो सूखा सा फिर रह गया ना, तो इसमें हम क्या करेंगे, दूध डाल लेंगे थोड़ा सा दूध, तो हाँ दूध भी हमने थोड़ा सा दूध डाला है, और जैसे अगर लड्डू बनने में आपके दिक्कत करें तो उसमें दूध डाल सकते हैं थोड़ा सा, तो उससे नरम सा हो जाएगा और लड्डू आपके आराम से बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और लड्डू का कण कण देखो आप तो बस, ये देखो कितना लाजवाब है ना, गजब का। तो इसके लिए एक लाइक बनता है, और अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। दोस्तों अभी हमारे लड्डू बनके तैयार हो गए, और अब बच्चों को तो आप जानते ही हो, वो तो जाएंगे नहीं जब तक लड्डू नहीं मिल जाएगा कितना भी बोल दो कि आपको मिल जाएगा नीचे बैठ जाओ, लेकिन नहीं, तो पहले इनको लड्डू देते हैं, पहले भोग लगा के, पहले भोग लगाते हैं उसके बाद में सबको लड्डू देते हैं। ये देखिए कितने मस्त मस्त, हलवाई भी शर्मा जाएंगे इतने स्वादिष्ट लड्डू देखकर। जीजी को, अम्मा को, बूढ़ी अम्मा, सबके लिए रख दो। आज हमारे ठाकुर जी महाराज के पसंद के लड्डू बने हैं, तो भोग स्वीकार कीजिए। ये अब लड्डू भोग लग गया, और लीजिए अम्मा जी, लीजिए लड्डू उठाओ, लड्डू अरे उठाओ, जहाँ मैं देख लड्डू उठाओ, कहू के बनाया तुम तो खाओ, ताई
ले लो। जा विवेक, दीदी कहाँ है? दीदी खा लेगी या पूरे खा लेगी? खा लेगी। ये लो जी, अभी सब में बट गए और आप भी खा लीजिए। ये देखो, ये सब आपके लिए, इसमें से मैं एक निकाल लेता हूँ अपने लिए, है ना, छोटा वाला ले रहा हूँ। ये लो जी, अभी हम खाते हैं और आपको स्वाद बताते हैं, है ना। सबको पसंद आया, आपने देखा भी पापा क्या बोल रहे थे, वाह आनंद आ गया, मजा आ गया आज, बहुत बढ़िया लड्डू बनाए। बोल रहे थे किस चीज़ का बनाया, मैंने आप तो खाओ, मार्केट में नहीं मिला आपको ऐसा लड्डू देखने के लिए, है ना। तो आप ज़रूर इसको ट्राई करना दोस्तों, और ट्राई करने के बाद में कमेंट ज़रूर करना, आपके कमेंट का इंतजार करेंगे कि आपने लड्डू बनाए फिर आपको कैसे लगे। सोनी खाओ, स्वाद बताओ। पहले लो, आप लोग खा लीजिए। मेहनत वसूल हुई कि नहीं हुई? मेहनत वसूल है 100%।